हम लोग आए सबसे पहले हबीब के लिए हैं, जो हमारे दोस्त हैं, और थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस विद दिस अवार्ड फॉर बीइंग द मोस्ट व्हाट क्यूट कपल ऑफ टीवी थैंक यू पीआईए, थैंक यू हबीब विशाल फॉर कॉलिंग अस एंड ऑनरिंग अस विद दिस अवार्ड. सो इट फील्स ग्रेट to come in like what this is the first award function that we are coming in this year, so thank you so much. Also music video aapka bahut pasand kiya gaya, to जी. chemistry ke bare mein kya kehna chahenge aur kya compliments mila hai ye bhi bataiye. Well jab hum video shoot kar rahe the to ye to pata nahi tha ki ye itna bada hit ho jayega, and haste khelte hue ye time kaise nikal gaya. I think ek bahut hi acha combination of efforts tha for the actors, me, Ihana. केमिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगी. नवजीत जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. द पिक्चराइजेशन वॉज वेरी गुड. द बैकबोन वॉज टी सीरीज, सो दैट वॉज आई थिंक यू कैन गो रॉन्ग देयर. बट एक्चुअली कभी सोचा नहीं था और कि ये गाना जो जुबिन की आवाज़ में है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. एंड स्लोली एंड स्टेडली ओवर टू मंथ्स इट्स क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 175 मिलियन विच इज ग्रेट. एंड अभी तो शुरुआत ही है, सो क्रॉस 200 मिलियन इन अ शॉर्ट व्हाइल एज वेल. ये हफ्ते में 200 मिलियन क्रॉस होने वाला है. एंड हबीब वाज देयर फॉर द 100 मिलियन सेलिब्रेशन. यस यस, थैंक यू करण एंड निशा. आपने देखा, आपने आपको कैसा लगा गाना इनका? ऑफ कोर्स मैंने तो देखा है, हर एक मिलियन पे मैं हूट करती हूँ और शेयर करती हूँ. एंड यस, जो एफर्ट्स इस गाने में लगे हैं वो देखकर ही एक मिनट में समझ में आ जाता है दैट इट हैज बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट हैज गॉन इन. एंड इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एनी प्लान्स टू कम टुगेदर ऑन स्क्रीन? या वो प्लानिंग चलती रहती है, एक दो चीज़ों की बात भी चल रही है. सो लेट्स सी, वी आर इनटू सम थिंग्स दैट वी विल डू. और गाने मैं भी कुछ आगे कर रहा हूँ, सो आप लोगों को पता है. आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट, आप बिग बॉस में इस साल किसको सपोर्ट करते हैं? मैं देखा नहीं है. नो बिग बॉस क्वेश्चंस प्लीज. देख ही नहीं रहा बिल्कुल भी. बिल्कुल नहीं देख रहे. या मैंने ना तो अपने पहले देखे ना अपने बाद में देखे जब मैं गया था. मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या आप अभी अपने टीवीज में काम किया, फिर आप म्यूजिक एल्बम आपका लॉन्च हुआ और काफी हिट हो रहा है, क्या आपका प्लान आगे कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करने का है? यस, आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स अगेन ऑन OTT. ऑलरेडी एक पंजाब का शो कर रहा हूँ, जी पंजाबी का, इट्स कॉल्ड मावा ठंडिया छावा. अभी एक हफ्ता ही हुआ है, इट्स रीच नंबर वन. एक्चुअली जो पहली रेटिंग आई है उसमें वो नंबर वन हो गया है. सो लेट्स सी, आई होप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन.